अभी के जो जवान हैं, आप लोग क्या सेवा करेंगे? तो यीशु मसीह जो कि 33 साल के उम्र में इस धरती को छोड़ दिया, वो भी तो कछुआ तो देखा। हम लोग बोलो पादरी साहब, हम लोग दोनों कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं दमालू जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, हम लोग तो युवा सम्मेलन है, वहाँ जा रहे हैं, हम लोग बुलाया गया है भाषण देने के लिए, युवाओं को कुछ मार्गदर्शन देने के लिए। तो लोग बोला आप देते रहिएगा, बाद में थोड़ा सा हम लोगों का जो कर्तव्य है उसको देख लीजिए। मैं बोला आप लोगों का क्या कर्तव्य हो सकता है? आप लोग तो जंतु लोग हैं, है ना? एक खरगोश है, कछुआ है, क्या कर्तव्य दिखा सकते हैं? तो उन्होंने बोला क्या कर्तव्य दिखाएंगे, आप लोग खड़े होइएगा तब ना हम लोग बताएं। चलिए थोड़ा सा नजदीक वाला मैदान में जाते हैं। तो मैदान में गया हम लोग और उन्होंने कहा कि आप लोग गवाह होइए दोनों पादरी, और हम लोग अभी दौड़ेंगे। हमारे दौड़ प्रतियोगिता में कौन है जीतेगा आप लोग देखिएगा, कौन जीतेगा। तो इस कहानी को सब कोई जानते हैं, नए अंदाज का कहानी है, आप सुनिए इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और नहीं सुनेंगे जो लोग, मैं उनके कान के पास जाऊंगा, है ना, उनके कान हिलाऊंगा। दो लड़कियां मुझे नहीं सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको, कोई माला हिला रहा है, कोई चुन्नी हिला रही है ना। तो ये लड़कियों को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो पोखरा भी नहीं है, छोटा सा झरना है, वहाँ डुबा देंगे, है ना, 6 इंच पानी है, नहीं डूबेंगे। तो मुझे देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए, और जो कान हिलाने जानेगा उनको प्राइज भी मिलेगा, कान हिला के देखिए हिलता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग दोनों ने वहाँ खड़ा हो गया, और खरगोश और कछुआ ये लोग अब दौड़ प्रतियोगिता कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कौन जीतेगा आप देखिए, बाबा होकर खड़ा रहिए। तो हम लोगों ने खड़ा रहा, उन लोगों दौड़ प्रतियोगिता शुरू किया, और दो चिन्ह उन्होंने लगाया, एक आरंभ करने का चिन्ह और अंत होने का चिन्ह, और बीच में थोड़ा सा झाड़ी जैसा पड़ता है। तो दोनों एक ही साथ तो दौड़ना शुरू किया था, लेकिन खरगोश जा करके क्या किया, पार हो गया बहुत दूर, पीछे देखता है कि ना दो होरो बहुत समुद्र में ना यहाँ बोलता है, बहुत दूर में है अभी, इन काफी कनगिति है बोलता है, और थोड़ा सा सो गया, झपकी लगा लिया। उसी समय खरगोश को पार होकर के कछुआ भाग गया और सीमा रेखा में पहुंचा। वो देख रहा है कि खरगोश उठ के अभी कछुआ तो भाग ही गया है उधर, और पहुंच गया है यहाँ कछुआ का, इधर सुन रहा है बढ़िया से, है ना। तो कौन जीता? कछुआ जीत गया, है ना। तो कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, कहानी और आगे बढ़ती है। दुनिया मेल मिलाप का दुनिया है, बातचीत करने का दुनिया है। उन्होंने फिर से बातचीत किया कि दूसरी बार भी हम लोग दौड़ लगाएंगे, कौन जीतेगा देखेंगे। दूसरी बार दौड़ लगाया गया, चिन्ह वही है, आरंभ करने का चिन्ह, अंत करने का चिन्ह। और उन्होंने जब दौड़ा तो इस बार खरगोश को धोखा खाया है, बोलता है इनका इंगित है, इंग नहा दो, इंग मेरा इंग बोलता है, और दौड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद देख रहा है कि कछुआ तो हार गया। कौन हार गया? कौन हारा? कछुआ हार गया है, कछुआ हार गया। तभी बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है, ये समझौता का जिंदगी है। समझौता की जिंदगी में फिर दोनों मिला आपस में, ऐसा नहीं होने का, हम लोग फिर से दौड़ेंगे, फिर से दौड़ेंगे, और कौन जीतता है अभी हम लोग देखेंगे कि सचमुच में जीतना किसको जीतना चाहते हैं। तो उन्होंने अभी सीमा रेखा को बदल दिया, नदी को रखा सीमा रेखा, और कछुआ बोलता है खरगोश को नदी को पार करना है। अब वो खरगोश पहले की तरह सो गया था, दूसरी समय में सोया नहीं था, बढ़िया से जीता। तीसरी बार भी वो सोया नहीं, अच्छा से जा करके नदी के किनारे अब खड़ा है। कछुआ धीरे धीरे आया, पानी में उतरा, उस पार चला गया। अभी कौन जीता बोलिए? कछुआ को जीत गया। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है, फिर उन्होंने बातचीत आरम्भ किया कि और एक बार हम लोग दौड़ेंगे, और इस बार के जो दौड़ है ये आखिरी दौड़ है, और इसमें
हाँ, जितना और दौड़ने का कोई चांस नहीं है, यही आखिरी दौड़ है अभी। दोनों ने यही सलाह किया कि दोनों को जितना है, दोनों को दौड़ में जितना है, किसी को हराना नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं विन विन रेस। आप लोग बोलिए तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? विन विन रेस, जीतो और जिताओ वाला दौड़। क्या है? जीतो और जिताओ वाला दौड़। सब लड़का लड़की मुझे देखेंगे, कुछ कुछ लड़कियां फेटा बांधे हैं उधर, हरा कलर का अपने फेटा का फेटा वाली, और बातचीत अभी तक बंद नहीं हो रहा है उन लोगों का। दोनों सहेली दांत दिखा दिखा के बात हो रहे हैं, इतने सुंदर हैं आलम का जी। हरा कलर का चुन्नी माथा में, मेरी आंखें बहुत दूर तक जाती है, चश्मा नहीं पहना हूँ, 2 साल हो गया छोड़ दिया है, चश्मा टूट गया सो नहीं पहना हूँ, देख नहीं सक रहा है, पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया, फिर भी आई टेस्ट कराना चाहिए, नहीं किया हूँ। तो इस बार के दौड़ में एक कहानी मिलेगा नहीं, फिर आप लोगों को मिलेगा नहीं कहानी, थोड़ा सुन लीजिए। पहला उपदेश है, दूसरा तीसरा उपदेश में आप झपकी लगाइए, कुछ करिए, हम लोग छोड़ देंगे उसमें। लेकिन हम लोगों का जो पेरिस चेयरमैन, उनके भी उपदेश में तो झपकी लगाना क्या, वो तो देते नहीं है, उनका तरीका अलग है, कुछ तो दूसरा करते हैं, वो दूसरा रानू दे देते हैं कि झपकी नहीं लगा सकता है आपको, वो क्या क्या देंगे आप सुनिएगा बाद में। इसलिए अभी से मैं रास्ता बना रहा हूँ कि सब उपदेशकों को अच्छा से सुनिए, है ना। तो अभी कौन से दौड़ है बाकी? चौथे वाला दौड़ है, चौथे समय का। इन्होंने तय किया कि अभी तो दोनों को जीतना है, और कैसे जीतेंगे देखिए, है ना। फिर इन्होंने आया जहाँ चिन्ह दिया था वहीं से दौड़ना शुरू किया। तो इस बार बोला गया कि स्थल भाग में तुम तो खरगोश जीत ही जाता है, इसलिए तू मुझे अपना पीठ में ढोना। क्या बोला खरगोश? खरगोश को क्या बोला कछुआ? स्थल भाग में तू दौड़ के जीत जाता है, मैं धीरा चलता हूँ, इसलिए तू मुझे पीठ में ढोना और नदी के किनारे तक जाना, और नदी में जब उतरना है तो मेरे पीठ में तू बैठना और मैं नदी पार करा दूंगा, तो दोनों हम लोग जीत जाएंगे, तू भी जीता मैं भी जीता, विन विन रेस इसको बोलते हैं, जीतो और जिताओ। तो हमारे जो जीवा हैं अभी, प्रतिस्पर्धा जो है, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को सहायता करना, सब चीज करते हैं युवा में, सारे चीज भरपूरी में है। धोखा भी देना है तो धोखा दे दो, साथ देना है तो साथ दे दो, किसी को आदर करो तो आदर दे दो, किसी को और भी कुछ करना है तो कर दो, सब कुछ के पावर युवा लोगों के साथ है। तो हम लोग जो वचन को पढ़ा था, उस वचन बहुत अच्छा वचन है, उसमें बात को मना किया गया, बात ज़्यादा मत करो, जो काम है उसको कर लो, काम है जो कर लो। क्यों बोला गया? क्यों बूढ़ा को नहीं बोला गया, ये जवान को बोला गया है, और तुम्हारे बल रहता है, बल रहते रहते सारे चीज़ों को कर लेना है। और तुम इस धरती में जब जीते हो तो जीतो और जिताओ वाला जो नीति है, उस नीति को तुम लोग धर लो, और जो कि ख्रिस्तीय नीति है, खुद बेहतर रहो, दूसरा को भी बेहतर रहने के लिए देखो, खुद बेहतर रहो और दूसरा को भी बेहतर रहने के लिए देखो। युवा अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे किशोर किशोरियाँ हैं जो युवा नहीं कहलाते हैं। तो आप लोग, समय ऐसा आएगा कि आप लोग सब कोई जवान हो जाएंगे, और जवानी का समय हम लोग पहला तिमोथी उसका 4:12 को पढ़ेंगे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। यही समय है जब आप आदर्श बन सकते हैं। और खरगोश और कछुआ की जो कहानी आज नए रीति से आप लोगों ने सुना, इस तरह से एक दूसरे को, एक दूसरे की भलाई करना हम लोगों को सीखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जवानी के समय, जो सीखने का समय है, हम लोग सीखते नहीं हैं, टीन एज का समय में सीखते नहीं हैं। हमारे जो दृढ़ीकरण का क्लास होता है, हम लोग बहुत उम्रदार लोगों को भेजते हैं, इसीलिए 80 लोग ठीक करता है, कम उम्र में देता है। उम्रदार लोग आता है, जो सीखा वो सच नहीं सकता नहीं है, घर में विनती प्रार्थना होती नहीं है,
ये जवान युवती माँ बाप के साथ जवान युवती होने तक बैठता नहीं है प्रार्थना में, तो वो लोग कुछ जानते नहीं है। फिर पार करा दो, पंचगण सब सही मार दो, भेज दो, और पादरी को बोलो पादरी कटी कर नली में मेको दो, काको सारे तरह को बच्चन को दृढ़ीकरण एमए में। वो दृढ़ीकरण हो गया, उसके बाद छवा आ जाएगा एक साल बाद, बोलेगा निकुदो काको सारे तरह को बच्चन को बपतिस्मा एमए में। ये सिलसिला जारी रहेगा, वो कभी सीखेगा नहीं। तो इसीलिए 8 पास 9 पास 10 पास वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं, दृढ़ीकरण लेने से अच्छा है उनको हम लोग जो भी सिखाएंगे सीख सकेंगे और सारी बातों को माथा में रख सकेंगे। बूढ़ा लोग आएगा ठीक करके, टीचर लोगों को धमकी देता है, हम लोगों का जो पेरिस सेक्रेटरी है ये मतलब लोग जो दृढ़ीकरण पाने आता है धमकाता है पेरिस सचिव को, कोई टांग नहीं बोल के आप पेरिस सचिव भी थोड़ा लक्कड़ आदमी है यहीं पर है मंच में है, वो भी धड़का देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को माहौल जो है बिगड़ते हुए माहौल हम लोग देखते हैं सब जगह में देखते हैं धार्मिक स्थल। तो आज भी यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग हैं जो लोग अपना कमाल और धमाल दिखाएंगे, कमाल और धमाल दिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए जगह खाली है और शाम होते होते देखिए कितने भीड़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज जब हम लोग युवा सम्मेलन में कर रहे हैं तो इस युवाओं को हम लोग एक आदर्श मानना चाहते हैं, क्योंकि जवानी का उनके जवानी को कोई तुच्छ नहीं जानना चाहिए। यहाँ पर एक चीज है विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए, जितने भी आपके चर्च में आपके मंडली में लोग हैं उनके लिए युवा लोग आदर्श बनना चाहिए, लेकिन आदर्श बनने में अक्षम है। क्योंकि मेरे सर्वे से ऐसा लगा है कि परिवारों में हर एक व्यक्ति के पीछे एक एक धर्मशास्त्र होना चाहिए, वो धर्मशास्त्र हमारे बीच में नहीं है। हम जिस यीशु मसीह को जानते हैं उस यीशु मसीह को हम लोग खाली नाम के लिए जानते हैं और बाकी के लिए तो हम लोग जानते नहीं है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 6:9 में मूसा कहता है, आप लोग लिख लीजिए या फिर कुछ करिए, व्यवस्था विवरण 9:6, 6:9 दोनों पद आप पढ़ सकते हैं, 9:6, 6:9 में। तो 6:9 में लिखता है कि प्रभु के वचन को तेरे घर के दीवार के दोनों तरफ लिख दो, वैसा लिखा गया, प्रभु के वचन को तुम्हारे घर के दरवाजे चौकट के दोनों तरफ लिखो, और जब घर से तुम बाहर निकलो उसको पढ़ के निकलो, जब घर को बाहर से आते हो तो उसको पढ़ के अंदर घुस जाओ। मूसा के समय में यीशु मसीह के आने का 3,000-4,000 साल पहले की घटना है, जब वो लोग पढ़े लिखे थे, आज हम लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं है, जबकि इतने साल बीत गया, उस समय पढ़े लिखे लोग थे, अब तो सारे चीज कि मुहैया है। भारत सरकार चाहती है कि सब कोई पढ़े, सेवा भारत चाहती है कि सब कोई पढ़े, जितने भी मेहनत किया जा रहा है लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं प्रभु के वचन को हम लोग जान नहीं पाएंगे, और जब तक प्रभु के वचन को हम लोग जान नहीं पाएंगे तो नई बातों को माथा में घुसेगा भी नहीं, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हैं इसलिए सारे चीज नया नया लगेगा। इब्रानी का 13:24 में लिखता है, इब्रानी का 13:24 में आपे आपे गोमके कोके जो हारे पे यीशु सहाई पे बोल के लिखता है। तो बहुत समय में शिकायत मिलता है कि ने पादरे ने प्रचारक के अंदर ना ना आले आने हो रहा थे सेनो जाना के नड़ो आले के लेल के दाको लेल के दाके नड़ो काको यीशु सहाई कर चिन्ह मिलते आले आपे के जो हारी है, और वचन में होगा करना चाहिए आपे जो हारी पे आपे गोमके कोके। तो हम लोग को शिकायत करना नहीं है, आप लोग जहाँ कहीं भी देखो 1 मीटर दूर से 3 मीटर दूर से यीशु सहाई पादरी बोल रहा है ना, लेकिन चाय दुकान में रहते समय आप लोग यीशु साहेब नहीं कहते हैं। मुझे मालूम है कि ना यीशु साहेब काजी ले रहे तो तिंगू वकी ना ले तो बिस्कुट चाय में पड़ा हुआ है ना मिलते होकाय पे से ना चखो, तो हम लोग उस समय यीशु साहेब नहीं बोलते हैं ना, चाय खत्म हो जाएगा एक कप का, पादरी के साथ और एक जन बैठा है, प्रचारक भी आ रहा है उसके साथ एक जन, चार जन हो गया, चिमिंटा का खर्चा जा ना। तो आप लोग यीशु साहेब कहना आप ही का काम है, हम लोग नहीं बोलेंगे आपको आपे आपे गोमके कोके जोहारी पे, ऐसा लिखा गया है इब्रानी 13:24 में। ऐसा ऐसा और भी पढ़ते जाएंगे तो वहाँ लिखा गया है जो मेरे दासों को एक गिलास ठंडा पानी भी देता है तो वाह
बहुत बहुत पुरस्कार पाएगा बोलता है, एक गिलास ठंडा पानी देने से अगर मांडी उत्तर दे दिया तो हाल में काजे है और बहुत बहुत पुरस्कार मिलेगा। जिल्लू उत्तर होते तो और भी कहना क्या है। तो प्रभु में प्यारे, एक बार मैं रांची में एक घर को 12:30 बजे घुसा और 12:30 बजे जब घुसा तो उन्होंने मुझे चाय बिस्किट दिया और मुझे उस समय क्या चाहिए था, मांडी उत्तू चाहिए था। मैं वो चाय को पी लिया, 1 बज गए तब तक भागा घर से, उनके घर से, और फिर मांडी उत्तू खाया है ना। तो समय को ध्यान में देना है। अभी 11:12 बजे अगर पादरी पहुंचा है, चाहे कोई जन पहुंचा है प्रभु का जन, तो पूछिए मांडी उत्तू खाया कि नहीं खाया। वो तो कभी कभी लाज में कहें जमा कर दें, बोलेगा नहीं है ना, नहीं भी खाया है जमा कर दें बोलेगा झूठों का भी। तो आपको पढ़ना है, उसके चेहरा पढ़ना है, उसके शरीर के हाथों को पढ़ना है शरीर में, उसी से पता चलेगा सच में खाया है कि नहीं खाया है। होले काटिकम जमे में चिना के ना जम के ना जम करते हजूर का ना शरीर का ना होले मांडी आलिया मांडी चिबिल चिलका सिबिला ना तो काटिकम जमे में, ऐसा कुछ सुंदर शब्द से बोलिए कि वो सच में खाया है फिर भी खाए आपके यहाँ है ना। तो आज का वचन में बोलता है काम करना है, ये बात में खाली कुछ होने का नहीं है, काम करके दिखाना है। जितना भी युवा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे तो कल परसों को युवा कहलाएंगे आप लोग, घर में आपके माता पिता के साथ आप लोग बैठिए और प्रभु के संगति में आइए। प्रभु की संगति में जब आते हैं वही अभ्यास आपका रह जाता है तो जीवन बढ़िया चलता है। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल 2 साल बच्चे तंग करते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा दो और उसके बाद क्या होगा आगे के लिए, वो इतने लॉक हो जाएगा मोबाइल पकड़ के कि आपके बात भी नहीं सुनेगी आगे। मोबाइल दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कब देना चाहिए। तो एक नए परिवर्तन अगर हम लोग अपने में देखना चाहते हैं तो हम लोगों को धर्मशास्त्र की ओर ही जाना है। धर्मशास्त्र की ओर जाए बगैर हमारे जो मसीह विश्वास जिसको हम लोग मानते हैं, करते हैं, कहते हैं, वो सब को हम लोगों को करना है। मसीही विश्वास, आप लोग हिंदी आराधना देखेंगे तो हर रविवार हम लोग निकाय का जो विश्वास वचन है उसको नहीं कहते हैं, अथनासी उसका जो विश्वास वचन है उसको भी नहीं कहते हैं हम लोग, लेकिन हिंदी आराधना में आखिरी तरफ दिया गया है। जब भी कहते हैं हम लोग प्रेरितों के विश्वास दर्पण को हर एतवार स्वीकार करते हैं, वो दोनों जो और भी दो विश्वास वचन है उसको और एक एक एतवार में कहा जाए, उसको लिख करके मंडली में दे सबों के हाथों में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस तो तुरंत नहीं हो पाएगा। 5 एतवार पड़ता है तो 2 बार प्रेरितों का विश्वास वचन कह लीजिए, 3 बार पड़ता है 4 एतवार तो वही प्रेरितों का छोड़ दीजिए और अपना सीओ सर निकाय का विश्वास वचन को कहिए। और प्रभु के वचन में ऐसा भी है जब प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय का 10 पद में जाएंगे, सहज है प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय का 10 पद, उसमें लिखता है मैं स्वर्गदूत के हाथ से छोटी सी पुस्तक को ले गया और खा गया और मुझे वो मधु सी मीठी लगी। तो प्रभु का वचन मधु सी मीठी है, उसको हम लोगों को खाना चाहिए। संताल परगना का एक हिरनपुर जगह है, वहाँ मैं मेथोडिस्ट चर्च में एक एतवार बैठा था तो वहाँ का प्रचारक आकर के वहाँ बोले ने तिसिंगा वचन जो मैं पे बोला, क्या बोला ने तिसिंगा वचन जो मैं पे बोला। और हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे नित्य सिंह वचन आयु में पे, आयु में पे और जो मैं पे में कोई अंतर नहीं है, सुनो चाहे खाओ है ना, सब भीतर में जाता है। तो प्रभु का वचन को हम लोगों को पढ़ना और पढ़ने के लिए दोनों स्वामी स्त्री मिल करके बच्चों के साथ प्रार्थना करें। सुबह शाम का जो वचन है उसको हम लोगों को उसी पंजिका से पढ़ना है। बहुत समय में हम लोग पंजिका नहीं खरीदते हैं, पंजिका इसीलिए होका है ना तो बीट पंचरा तिगिरे में ना चीना मिलते वो पीरेंगे बीट पंचरा तिगिरे में ना है चीते, आपको भूख लगेगी बीट पंच के ओड़ा सेन के तो मार्जो में प्यार है।
बिल्कुल देगा खाने के लिए, आपको भूख लगने से नहीं देगा, उसी तरह पंजीका को एक बार देगा, दो बार देगा। आप लोग एक एक पंजीका रखिए, हर एक घर में दो दो पंजीका भी रख सक रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोग बहुत सारे खबर वहाँ से जान पाएंगे पंजीका से, तो वो नहीं रखते हैं, बाइबल नहीं खरीदते हैं, और हम लोग जीवन ऐसा ही चला जाएगा, मर जाएंगे, उसके बाद यीशु मसीह दूसरे आगमन के समय में आएगा, बोलेगा धर्मशास्त्र पढ़ा के जाते खाले पढ़ा बोला जे अल्ले पादरी प्रचार पहुँच कर दो जितना काको काजी के देखो पढ़ा पढ़ा हुआ मिलते, ऐसा वहाँ पर बोलेंगे आप लोग तो यीशु मसीह पर्दा दिखा देगा मेले में चिना चिलका काजी तय के नको पादरी प्रचारक को, वो पर्दा में हम लोग देख लेंगे कि सच में उन लोग बोला था बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। जीवन परिवर्तन करने के लिए हम लोग अगर इच्छा रखेंगे तो परिवर्तन होगा, इच्छा नहीं रखेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। और इस जीवन परिवर्तन होने से अनेक समय में हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, जीवन परिवर्तन हो गया। और जब तक जीवन परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। एक पीलू को हम लोग देखते हैं वो कितने कितने बाल रहता है उसके शरीर में, जब जीवन परिवर्तन हो जाता है सुंदर तितली होकर निकलता है, उसके देना में कितने सुंदर सुंदर फूल रहता है और उड़ते रहता है, तो हम लोग कितना अच्छा लगता है देखने के लिए। उसी तरह हमारे गंदगी भरा जीवन में जब उसको हम लोग परिवर्तन कर देंगे तो नए हो जाएंगे, जो लोग देखेंगे वो लोग बोलेंगे नहीं होड़ दो बढ़िया परिवर्तन जाना हन लेकर तय करना हन लेकर तय करना ना दो बढ़िया ले लो तना, ऐसा लोग चाहेंगे। तो इसी तरह से जवानी समय, जवानी का समय हम लोगों के लिए बड़े परिवर्तन होने का है, खुद जीते खुद परिवर्तन हो, दूसरों को भी परिवर्तन करें, और इस कलिसियाई जीवन में जीतो और जीताओ वाले खरगोश और कछुआ की कहानी नए कहानी के जैसा हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। और एक वचन आप लोग देखिएगा, वो वचन में हम लोग, आप लोग एम्बुलेंस देखा है, सबको ही देखा है, एम्बुलेंस में रोगी लोगों को लिया जाता है, उसमें कितना लिखता है 108 लिखता है, वो 108 मत्ती का 10 अध्याय का 8 पद है, मत्ती का 10 अध्याय का 8 पद है, वो 108 फोन करो तो गाड़ी आपके पास आ जाती है, आपको लेके चले जाती है, आप गिर गए। ऐसे जो मसीही लोगों के जो सेवा काम है कितना अच्छा हो रहा है, कोई कोई चिन्ह छिपा करके प्रभु के सेवा काम वहाँ सुदूर देश से सारे पृथ्वी में सेवा हो रही है। उसी तरह अभी के जो जवान हैं आप लोग क्या सेवा करेंगे, तो यीशु मसीह जो कि 33 साल के उम्र में इस धरती को छोड़ दिया, वो भी तो जवान था, और जवानी के भीतर में 3.5 साल जो भी काम किया बहुत है, बाकी क्या क्या काम किया था वो चर्चा बाइबिल में नहीं है, और भी काम किया होगा, लेकिन ये 3.5 साल का जो सेवा काम था बहुत सराहनीय था, पूरे पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया, ऐसे ही परिवर्तन हुआ। तो वर्तमान के जो युवा वर्ग हैं आप क्या कुछ कर सकते हैं, नई चीज़ आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों के सुंदर रीति से सुनने के लिए।